Hello everyone, I am Yogesh Patil. I secured All India Rank 231 in this year's Civil Services exam. So I'll be making this video considering this year's prelims. Around 25 days are remaining now, and there are so many candidates who personally texted me and they requested me to give some suggestions for this year's prelims, and I have made this video regarding that. So I'll say there are 5 to 6 aspects on which I will speak. And these are the important areas on which you should act right now. So first thing is, don't add too many sources now. जैसे आपने जो भी पढ़ा है, करंट अफेयर्स पढ़ा है, स्टैटिक पढ़ा है, या बाकी जो जो भी कुछ पढ़ा है, देन एड डोंट ऐड टू मेनी सोर्सेज, बिकॉज अभी आप कुछ पढ़ते हैं देन इट विल बी डिफिकल्ट टू रिवाइज इट, राइट? हम अगर जो भी अगर हम कुछ नया करंट अफेयर पढ़ रहे हैं देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिवाइज इट नाउ. तो आप कोई नया सोर्स ऐड मत करिए. आपने जो भी अभी तक पढ़ा है देन अच्छे से उसे रिवाइज करिए, जो भी स्टैटिक है या करंट है. सेकेंड, फोकस ऑन द स्टैटिक पार्ट. हम क्या करते हैं, जैसे करंट अफेयर्स पढ़ने लगे तो करंट अफेयर्स के लिए तो बहुत सारे सोर्सेस है, विजन है, इनसाइट्स है, वाजीराम है और क्या क्या नहीं. तो इसमें ट्रैप मत हो जाइए. करंट तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन स्टैटिक के जो भी पोर्शन है, जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, डोंट लीव इट. आर्ट एंड कल्चर से भी 5 to 6 क्वेश्चन हर साल आते हैं एंड दे आर वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. तो इसे अच्छे से रिवाइज करिए. स्टैटिक को ज़्यादा आप अगर यहाँ पे टाइम देते हैं तो इट विल बी गुड थिंग. एंड मोस्ट पीपल थिंक दैट कि लास्ट इस दिनों में अभी आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करने में टाइम नहीं मिलता. व्हाट यू कैन डू इज, आर्ट एंड कल्चर मैं ऐसे करता हूँ कि मैं हर दिन पढ़ता हूँ. आई रीड 2 to 3 टॉपिक्स एवरी डे. तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू रिवाइज इट. तो हम ऐसे कुछ तो भी ट्रिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब से. देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, डोंट लीव द सी सेट, स्पेशली फॉर द पीपल फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज. सी सेट बहुत ज़्यादा जरूरी है क्वालिफाई होने के लिए, एंड देर आर सो मेनी कैंडिडेट्स हु डू नॉट क्वालिफाई सी सेट. तो सी सेट आप इग्नोर मत कीजिए. वॉट यू कैन डू इज, आपको अगर बोर लगता है, समझो आप आज हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आपको अगर बोर लगता है, देन वॉट यू कैन डू इज जस्ट सॉल्व द पैसेजेस. इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है लास्ट 2 to 3 ईयर्स यूपीएससी के पेपर्स लीजिए और उसे सॉल्व करिए, जो भी पैसेज है या क्वेश्चन है. और एक बेस्ट सोर्स है जैसे विजन का भी मॉडल, एक क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं. उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि उसके मॉडल आंसर होंगे, तो आप वो पढ़ सकते हैं एंड दोज ट्रिक्स गिवन यू कैन अडॉप्ट दैम. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज, गो थ्रू द लास्ट ईयर यूपीएससी पेपर्स. अभी ज़्यादा टाइम नहीं है उन्हें सॉल्व करने का, बट एटलीस्ट यू कैन डू दिस, लुक एट देम. आप ये बेनिफिट होगा, द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इन द यूपीएससी इज वेरी डिफरेंट. The questions which are asked in the test series, they are straightforward in many of the test series, या बहुत ज़्यादा difficult कर देंगे, दोनों संभावनाएं हैं. But UPSC में क्या है, UPSC has a standard level, तो UPSC के questions है, they have a very different quality, just go through them, have a feel of it, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है. Otherwise, what you will do, you will just go directly in the main, on the 2nd of the June, so it becomes very difficult for you. तो आप ये करिए, जस्ट लुक एट देम. इफ़ यू आर नॉट सॉल्विंग देम, एटलीस्ट लुक एट देम. इट विल गिव अ वेरी गुड फ्लेवर फॉर द यूपीएससी पेपर्स. आई विल स्ट्रांगली रिकमेंडेड इट. देन नेक्स्ट थिंग इज, लास्ट ये दिनों में ऐसा होता है, वी कीप अ टारगेट, वेरी एम्बिशियस टारगेट, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कम्प्लीट दैट. जैसे मैंने अभी डिसाइड कर लिया, जैसे कि आज एक दिन में पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ना है, बट इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर यू. इट मे बी पॉसिबल फॉर मेनी अदर कैंडिडेट्स, बट इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर यू. तो आप ऐसे एम्बिशियस टारगेट अभी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कैसा होता है, अगर टारगेट पूरा नहीं होता है तो हम पैनिक हो जाते हैं. तो एक पैनिक होने से ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है. बट इन लास्ट दिनों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. जो एक कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है. तो आप ऐसे कोई एम्बिशियस टारगेट रखना जरूरी नहीं है, जस्ट have a simple target and follow it. Have a rough target of next 25 days, कि हम next 5 दिनों में कैसे पढ़ने वाले हैं, next 10 दिनों में कैसे पढ़ने वाले हैं, आखिरी दिन क्या पढ़ने वाले हैं, उसके day before क्या पढ़ने वाले हैं. Have a rough plan of it. जैसे ये अगर rough plan अपने पास ready होता है, तो उसका एक फ़ायदा क्या होता है कि हम उसमें सिमुलेट कर सकते हैं कि मुझे, जैसे अगर ये लगता है कि मुझे आर्ट एंड कल्चर डिफिकल्ट जाएगा, तो आर्ट एंड कल्चर आई विल रिवाइज एवरी डे, सो दिस इज माई प्लान, राइट? तो आप ऐसे कुछ तो भी प्लान कर सकते हैं, सो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिवाइज. नेक्स्ट, ये जो मैंने लास्ट टाइम भी ट्राई किया था, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. तो आप ये कर सकते हैं कि एक आप जो एक इजी पेपर है
वो आप लास्ट 4 दिनों में सॉल्व कर सकते हैं। द पॉजिटिव बेनिफिट ऑफ इट इज़ ये बूस्टर होगा। जैसे अगर हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं, मानो आप विजन का एक कोई मॉक का टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया और उसमें अगर हमको 150 मार्क मिल जाते हैं, 150, सो इट विल बी एम बूस्टर फॉर यू। तो ये एक बेस्ट चीज़ है जो मैंने ट्राई की है एंड यू कैन ऑल्सो डू इट। देन अभी हमने क्या करना चाहिए कि एक प्रायोरिटाइज करना चाहिए सिलेबस जो भी है, उससे हम प्रायोरिटी ऐसे कर सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई विल रिवाइज फर्स्ट। जैसे अगर मुझे ये लगता है कि पॉलिटी में हर साल 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं और 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, देन आई विल रिवाइज इट फर्स्ट। अगर मुझे ये लगता है कि ज्योग्राफी के कोर पोर्शन से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, देन आई विल रिवाइज इट लास्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी मेन पोर्शन होता है वो हम कवर कर लेते हैं, और जो लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर चलो टाइम के एक लिमिटेशन के इससे हमारी अगर कंप्लीट भी नहीं होती है, देन वो एक इशू नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे एनवायरनमेंट है या मॉडर्न हिस्ट्री है या पॉलिटी है, ये चीज़ें हमने रिवाइज करनी ही चाहिए। तो आप इन लास्ट दिनों में ऐसा प्रायोरिटाइज करिए, ऐसे कोई भी चीज़ें अभी नहीं पढ़नी चाहिए जो लेस प्रायोरिटी की हो, और नए सोर्स तो आपने पढ़ना ही चाहिए जैसे मैंने पहले ही कहा है। देन ये लास्ट दिनों में ऐसा भी होता है कि हमें ये फीलिंग आती है कि यार मेरा तो प्रिपेयर हुआ नहीं है, शाल आई गिव दिस अटेम्प्ट और शाल आई नॉट। तो ये तो हर अटेम्प्ट को आएगा, मुझे भी ये लास्ट टाइम हुआ था। आई विल से कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, यू हैव बीन स्टडिंग फॉर लास्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर, एंड ये जो 1 महीना है आपको ये बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा। आपने 1 साल में बहुत ज़्यादा जितना पढ़ा है, ये अगर 1 महीने में इतना दो से तीन बार रिवाइज होता है, देन ये सफिशियंट है। आई विल से इट इज़ वे मोर देन सफिशियंट आप अगर अच्छे से पढ़ते हो। बिकॉज कैसा होता है, हमें सब सब्जेक्ट का नॉलेज आने के बाद इट विल बी वेरी इजी टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, तो ये हमेशा होता रहेगा। तो ऐसे अगर फीलिंग आती है तो डोंट फॉल फॉर इट, एंड आई विल से गिव दिस अटेम्प्ट। नेक्स्ट थिंग इज डोंट जज योर परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट सीरीज मार्क्स, बिकॉज लास्ट टाइम ऐसे हुआ था आई डिडंट स्कोर इन एनी टेस्ट सीरीज अबव 100। वाजीराम की शायद मैंने 13 टेस्ट दिए हैं, आई डिडंट स्कोर 100 अबव 100 मार्क्स इन एनी सिंगल टेस्ट। विजन में मुझे आते थे 115 मार्क्स आते थे, लेकिन तो आपका स्कोर कभी जज मत करना। आई स्कोर्ड वेरी वेल, लाइक लास्ट ईयर पेपर वॉज डिफिकल्ट एंड आई स्कोर्ड 108 मार्क्स इन दैट। सो आप अपना स्कोर इससे अपना एक परफॉर्मेंस जज मत करिए। यूपीएससी का पेपर इजी भी आ सकता है, डिफिकल्ट भी आ सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो ये भी नहीं रहना चाहिए कि आई स्कोर 150 इन द यूपीएससी, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आपने एक अच्छा प्रिपेयर करके रखना चाहिए सब। लास्ट थिंग इज़ ये दिनों में थोड़ा सा एंग्जाइटी रहती है कि होगा नहीं होगा क्या होगा, तो इसके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा घर से बाहर जाइए, थोड़ा सा वॉक करिए, थोड़ा सा स्कीपिंग करिए, तो ये बहुत अच्छा रहता है। या थोड़ा सा घर पे बैठ के प्राणायाम करिए। आई विल से 15 से 20 मिनट इसके लिए निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर इतना टाइम देते हैं आपके एक बिजी शेड्यूल में भी, तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनती रहेगी और इससे ज़्यादा अपनी इफिशियंसी बढ़ती रहेगी। सो आई विल से फॉलो दिस टिप्स एंड दिस आर वेरी नेसेसरी। आई फॉलोड इट, मेनी कैंडिडेट्स फॉलोड इट, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल आई थिंक। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टडी वाइजली, स्टडी इफिशियंटली, स्टडी प्रिसाइजली, यही चीज़ें कहना चाहूँगा। देन ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दोज अपियरिंग फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स। थैंक यू।